ये देखिए, वाह, खाने खाते कम गिराते हैं ज़्यादा ये लोग। तो आप लोग देख रहे हैं ना, तो यादव जी की चाट और पानी की बदासे इतने ज़्यादा फेमस है कि बजरंगबली जी ऊपर बैठे हुए हैं, वो यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। जब तक यादव जी उनको देंगे नहीं खाने के लिए, तब तक वो यहाँ से जाएंगे नहीं। तो यादव जी इन्हें भी कुछ खिला दीजिए, तभी ये जाएंगे यहाँ से। यादव जी देने जा रहे हैं इन्हें, और ये खाएंगे तभी यहाँ से जाएंगे। ये देखिए, वाह, खाने खाते कम गिराते हैं ज़्यादा ये लोग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल, और आप सभी लोगों का प्लैनेट आशीष में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग आज आए हुए हैं सिवाला मार्केट में, यहाँ पर जो यादव जी की चाट है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और उनको यादव जी के नाम से लोग कम जानते हैं, लेकिन मुच्छड़ वाले भैया के नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको यहाँ की लोकेशन दिखा देता हूँ, ये शॉप कहाँ पर लगती है, उसके बाद चल के अंकल जी से बात कर लेंगे चल के। तो दिखाते पहले आपको यहाँ की लोकेशन क्या। तो गाइस, ये शॉप दिख रही है आप लोग को, ये यादव जी की जो शॉप है, पानी पूरी 20 के 6 है इनके यहाँ, और काफ़ी ज़्यादा फेमस। तो पहले मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ, पीछे ये शॉप लगती कहाँ पर है। कोतवालेश्वर मंदिर बना हुआ है, श्री दुर्गा पूजा नवयुग समिति, चूड़ी मार्केट, सिवाला रोड है। इन्हीं के जो ये टेम्पल बना हुआ है, इसके बाहर ये शॉप लगती है, और मैं आपको दिखाता हूँ। और ये जो रोड आ रही है, ये बड़े चौराहे की तरफ से आ रही है। तो जब आप बड़े चौराहे से आ रहे होंगे सिवाला मार्केट के लिए, तो ये शॉप आपको राइट हैंड पर मिलेगी। और ये जो रोड आ रही है, ये सिवाला वाली जो शिवाला टेंपल है, उधर से आ रही है। तो जब उधर से आप आ रहे होंगे, लेफ्ट हैंड पर मिलेगी। और अपोजिट में दिखाते क्या है, अपोजिट में राधे राधे रेडीमेड गारमेंट्स है, उसी के अपोजिट में शॉप लगती है। लेकिन जो मेन लैंडमार्क है वो कोतवालेश्वर मंदिर है, ये चूड़ी मार्केट, सिवाला रोड। तो चलिए अब अंकल से कर लेते हैं बात। हम लोग यादव जी के शॉप पर आ चुके हैं, तो यादव जी से चलिए बात कर लेते हैं। तो यादव जी, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम है यादव जी के नाम से लोग जानते हैं, गिरीशचंद यादव। मेरा नाम गिरीशचंद यादव मेरा नाम। तो यादव जी का पूरा नाम गिरीशचंद यादव है, और आपकी ये जो भेलपुरी की शॉप है, यहाँ पर कब से चल रही है? यहाँ 18 साल से चल रही है, 18 साल पुरानी दुकान है। और जो आपकी शॉप की ये टाइमिंग क्या है? टाइमिंग 2 बजे से है, 2 बजे से रात 11 बजे तक। रात 11 बजे तक जी। शॉप पर क्या क्या मिलता है? भेलपुरी, सेव पूरी, पानी पूरी, दही पूरी, ढोकला चाट, ढोकला सब मिलता है मेरे यहाँ। थोड़ा प्राइस बताएंगे क्या क्या है? सब 30 रुपीस का है। सब 30 रुपीस जी, चाहे जो भी खा लें। 20 का 6 वो है, पानी 20 के 6। ये फंडा कहाँ से लाए? अच्छा, 20 के 6 सब यहीं से आया है, यहीं से आया है। और क्या? अच्छा ये बताइए, हमें नहीं लगता कि आपकी शॉप देख के लोग ज़्यादा आते हैं, हमें तो ये जो आपकी मुच्छे हैं ये देख के ज़्यादा लोग आते हैं। जी जी, फेमस बिल्कुल। तो ये मुच्छे का ताव एक बार दीजिए जरा, हल्का सा। ये अच्छा, ये चीज़ कहाँ से लेके आते हैं आप? ये शुरू से ही रखते हैं, हमारे खानदानी ये मुच्छ रखी जाती है। तो आप कानपुर के रहने वाले हैं? जी, बनारस के। बनारस के, तो ये चीज़ आप बनारस के लेके आए हैं। जी जी। तो मैं आपके आज ढोकला चाट खाना चाहूँगा। जी बिल्कुल, खाइए। तो चलिए हम गाइस ऑर्डर देते हैं ढोकला चाट का, और देखते हैं मेकिंग कैसे होगी। ये क्या है? ये मसाला, लाल नमक है, और ये धनिया वाला मसाला है। ये धनिया गरम मसाला, ये 16 जायका है पूरा। और ये आ गया ऊपर से दही। ये है दही, ये है ग्रेवी चटनी, ये है मीठी चटनी, और ये आ गई प्याज टमाटर, और ये है नमकीन, ये है दाने, ये है जीरो से, और ये क्या है? पनीर। पनीर, और आ गया ये ऊपर से नींबू। ये है ये ढोकला चाट। तो गाइस देख लीजिए, ढोकला चाट रेडी हो चुका है, और टेस्ट इसका शेयर करते हैं आपके साथ, जो कि
मुच्छड़ वाले भैया जी ने बनाई है ढोकला चाट। तो चलते हैं और खा लेते हैं, इसका टेस्ट शेयर करते हैं और इसके बाद एक और कोई आइटम भी भैया का हम लोग ट्राई करेंगे। तो गाइस देख लीजिए, ढोकला चाट रेडी हो गई है, काफ़ी गजब की दिख रही है मुझे तो, जब देखने में इतनी ब्यूटीफुल लग रही है। ऊपर से पनीर और मूंगफली के दाने, पापड़ी, काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है। खा लेते हैं और इसके बाद आपको इसका टेस्ट शेयर करता हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा था इसीलिए कोच्चे में आए हैं, मंदिर की सीढ़ियों में बैठे हुए हैं और यहीं से ढोकले वाली चाट का जायका लेंगे। तो चलिए पहली बाइट खा लेते हैं ढोकले की चाट की, जो कि यादव जी ने काफ़ी ज़्यादा मुच्छों को ताव देकर बनाई हुई है। मतलब ढोकला खाया हुआ है, आज फर्स्ट टाइम ढोकला चाट खा रहे हैं और टंग पे जो पहली बाइट रखी है तो जो मज़ा आया है वो शेयर नहीं करने लायक है। एक बाइट और खाएंगे और टेस्ट अगर लेना है तो एक बार आइएगा ज़रूर, फेमस है काफ़ी ज़्यादा ये चाट इनकी, मतलब खाने के बाद पता चल रहा हूँ वाकई कुछ खा रहा हूँ। अब शेयर करते हैं आपके साथ इसका टेस्ट। जो ढोकला है बिल्कुल सॉफ्ट है, मीठापन है हल्का हल्का जैसा होता है ढोकला में, और जो इनकी चटनी है हरी वाली खट्टी वाली तो उसमें तीखापन भी है, और जो मीठी वाली थी इमली की काफ़ी ज़्यादा टेस्ट अच्छा है उसका, इमली वाली चटनी का, और साथ में पनीर वगैरह पड़ा हुआ है तो उसका भी काफ़ी गजब का टेस्ट है। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है और ये जो शॉप है यादव जी की, ये इनकी मुच्छों की वजह से ज़्यादा चलती है, लोग इनकी मुच्छे देखकर इनके पास आते हैं और जो इनके बतासे हैं वो 20 के 6 मिलते हैं, और जितना भी इनका आइटम है और इनकी जितनी भी वैराइटीज़ हैं सब 30 रुपये का है। तो अभी हम चलेंगे यादव जी के 20 के 6 रुपये वाले जो बतासे हैं वो खाएँगे, और जो लैंडमार्क है वहाँ सीढ़ियों में बैठा हुआ हूँ, पीछे मंदिर बना हुआ है, दिख रहा ना मंदिर आपको, तो ये लोकेशन है जो फेमस लैंडमार्क है यहाँ पर, आप यहाँ आइएगा। जो यादव जी की ये मुच्छे वाली जो शॉप है ये आपको 2 बजे यहाँ मिलेगी और रात को 10-11 बजे तक चलती है जब तक मटेरियल रहता है। तो ठीक है, फाइनली अपनी ढोकला चाट खाते हैं और इसका जो रिव्यू है काफ़ी गजब का है, मतलब खाने के बाद मज़ा आ रही है, जो फिलहाल इधर कानपुर में कहीं नहीं मिलती है जो यादव जी देते हैं यहाँ। तो चलिए इसको ख़त्म करते हैं और इसके बाद अभी यादव जी के 20 के 6 बताशे खाएँगे, और एक चीज़ काफ़ी फेमस है यादव जी के यहाँ पर जो इनके ठेले पर बनी हुई है वो मैं अभी आपको लास्ट में शेयर करूँगा। तो भैया ढोकला चाट का जो जायका लिया था काफ़ी मज़ा आया खाकर, जो चाट मैंने खाई है आज वो आलू टिक्की चाट में भी मज़ा नहीं आई, और जो यादव जी की चाट, जो यादव जी की शॉप है वहाँ की सबसे बढ़िया चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये डस्टबिन है यहाँ की, जो स्वच्छ भारत अभियान की आप लोगों को मतलब आदेश दे रहा है आप लोगों को कि आप लोग भारत को स्वच्छ बना लें, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो फ़िलहाल बड़ी बड़ी शॉप पे और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में नहीं मिलती है। तो चलिए अब यादव जी के हम लोगों ने खा ली थी ढोकला चाट, अब चलते हैं और खाते हैं इनका पानी के बताशा जो 20 के 6 है। तो गाइस हम लोगों ने ढोकला चाट फाइनली ख़त्म कर ली थी और जो यादव जी हैं ये एक इनकी भाभी आई हुई हैं, काफ़ी देर से अपनी भाभी को बुला रहे थे तो इनकी भाभी आ नहीं रही थी, तो चलिए इनकी भाभी से बात कर लेते हैं। तो भाभी जी आपका नाम क्या है? शिवानी। तो भाभी जी का नाम शिवानी है, तो यादव जी आपको बहुत देर से बुला रहे थे, क्या खासियत है इस चीज़ की? इनको भेलपूरी बहुत पसंद है, हमें इनकी भेलपूरी सब कुछ पसंद है, भेलपूरी पानी बता से। तो यादव जी की भेलपूरी देख के आप आती हैं या उनकी आप मुझे देख करके आती हैं? दोनों चीज़ देखकर। तो मुझे तो लगता है कि यादव जी की भेलपूरी से कम लोग आते हैं यहाँ पर और उनकी मुझे देख कर ज़्यादा आते हैं। नहीं, दोनों चीज़ देख कर आते हैं। आप क्या देख करके आती हैं? हम तो दोनों भेलपूरी भी होगी, खुशबू ज़्यादा तो। क्योंकि यादव जी आपको बार बार बुला रहे थे इसलिए हमने सोचा कि आप इनकी मूछें देखकर ज़्यादा आ रही हैं। क्यों यादव जी, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? हाँ, सेटिंग है हमारी। सेटिंग है, अच्छा, तो यादव जी की इनकी सेटिंग है ये कह रहे हैं। तो चलिए अब यादव जी के बताशे खाते हैं जो 20 के 6 हैं। तो पहले आपको यादव जी का पानी दिखाते हैं कैसा है। तो अब भाभी जी हेल्प कर रही हैं यादव जी का पानी दिखाने में। तो चलिए अब खाते हैं बताशे, वेट कर रहे हैं और साथ में भाभी जी भी खा रही हैं। तो ये देख लीजिए,
जो पानी है काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है इस पर, प्याज धनिया तो जैसा कि पड़ा होता है। तो चलिए खाते हैं और इसका पानी का टेस्ट शेयर करता हूँ आपसे। पानी तो आ रहा था, पानी नहीं, 5.5। कौन सा पानी रहता है यादव जी? तो जो ये पानी है वो आरओ का पानी है, हैंड पाइप का नहीं है, यादव जी ने बता दिया है। और जो पानी का टेस्ट है काफ़ी गजब का आ रहा है, जितना भी मसाला और नमक पड़ा हुआ सब बैलेंस है, कुछ ज़्यादा या कम नहीं है। अब बस मजा आई। आप इनके शॉप पर कब से खाने आ रही हैं? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए, यादव जी ज़्यादा बता रहे हैं, बोल रहे हैं 10 साल हो गए हैं। तो चलिए गाइस फाइनली हम लोग बताशे भी खा लेते हैं। सोच रहे हैं ज़्यादा पैसे, लोग सख्त ना करें, ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। नहीं लोग सख्त। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यादव जी कह रहे हैं कि अगर ये ज़्यादा दिन से बता देंगे तो उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। आज लोग सख्त लेते हैं इनसे। अच्छा अच्छा, हाँ 7 साल हो। और बताशे खाने के बाद कुछ लोग पानी फेंक देते हैं, लेकिन मैं पानी फेंकता नहीं हूँ, पानी पी जाता हूँ। कि जो मज़ा आता है पानी पीने में बताशे खाने के बाद, तो बताशे खाने से ज़्यादा मज़ा आता है पानी पीने में। आत्मा तृप्त हो गई बताशे खा करके और ढोकला चाट खा करके। तो ठीक है गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो भाई साहब सब कुछ डन हो गया है, अब ज़रा रिव्यू लेने की बारी आ गई है, तो चलिए भैया से रिव्यू ले लेते हैं। तो भैया आपका नाम क्या है? अभिषेक। तो भैया का नाम अभिषेक है, और भैया आप कानपुर के रहने वाले हैं जी। तो आप यादव जी की शॉप पर कब से आ रहे हैं? जी मैं लगभग 6 महीने से आ रहा हूँ। इनके बारे में जब से सुना, क्वालिटी बहुत बढ़िया है, कोई भी चीज़ है, भेलपूड़ी है, ढोकला चाट है, बहुत टेस्टी बनाते हैं। मूछों का कुछ राज है? मूछों का तो अभिनंदन फेल है भाई, अभिनंदन फेल है। हाँ मूछे तो इनकी जान है। हमें तो लगता है एक डायलॉग नहीं था वो, मूछे हो तो नथुलाल जैसी, तो मूछे हो तो यादव जी जैसी। यादव जी मूछे आपकी नथुलाल जैसी होनी है। तो ठीक है, तो आप मतलब कितने दिनों में आते रहते हो? भैया मैं जैसे हफ्ते में मार्केट वगैरह आया तो आता रहता हूँ। इनकी भेलपूड़ी बहुत बढ़िया है, ढोकला चाट बहुत बढ़िया। तो आप हर एक चीज़ का जायका ले चुके हैं यहाँ पर। तो ठीक है, आपको रिव्यू देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और आप भी आते रहिएगा, डेली आते रहिएगा, खाते रहिएगा, और यादव जी के मूछे भी देखते रहिएगा। तो चलिए आप दूसरे भैया से ले लेते हैं रिव्यू। तो भैया आप क्या खा रहे हैं? भेलपूरी खा रहे हैं। आपका नाम क्या है? वेदांत मिश्रा। वेदांत मिश्रा, तो भैया का नाम वेदांत मिश्रा है और भैया भेलपूरी खा रहे हैं। तो आप यादव जी के शॉप पर कब से आ रहे हैं? करीबन 1 साल हो गया। 1 साल हो गया जी। क्या मज़ा आती है आने में? जो अलग कहीं नहीं मिलता वो यादव जी के यहाँ मिलता है, वो SPDP भेलपूरी। SPDP का मतलब? सेवपूरी दहीपूरी जी। तो डायलॉग जैसे 10 के 6 लिखे हुए हैं, वैसे भैया के भी डायलॉग है। तो आपको यहाँ की भेलपूरी कैसी लगी? बेस्ट। का आप तो कानपुर के रहने वाले? हाँ कानपुर के, किदवाई नगर के। तो आप किदवाई नगर के रहने वाले हैं कानपुर के? तो भैया किदवाई नगर के रहते हैं और भैया यहाँ पर भेलपूरी का मज़ा लेना है। और आपने क्या क्या खाया यादव जी का यहाँ? ढोकला चाट खाई है और SPDP खाई है, भेलपूरी खाई है आज। तो मज़ा आ रही है आपको? यस। तो ठीक है गाइस, इनको भी मज़ा आ रही है, भैया को और सबको मज़ा आ रही है। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या मज़ा चल रहा है। तो ठीक है चलते हैं, अब आज का व्लॉग अपना एंड। बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे कल फिर और कहीं पर।